आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक बार फिर से नए वीडियो के साथ नर्सिंग एम आपका आदिशा करता है। दोस्तों, आज फिर से नई बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि राजस्थान में जो नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती थी और फार्मासिस्ट की भर्ती थी, उसका नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। क्योंकि पहले ये कंबाइंड भर्ती थी नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट की, अब इनका अलग अलग नोटिफिकेशन आया है और पहले वाली भर्ती है वो रद्द कर दी गई है। अब दोबारा इसका नोटिफिकेशन आ गया है। पहले वाली भर्ती में 1289 पोस्ट थी, जो पोस्टें बढ़ाकर नर्सिंग ऑफिसर की 7020 कर दी गई है। फार्मासिस्ट की 2859 पोस्टें हैं। तो क्या है इसकी लास्ट डेट क्या है, इन्फॉर्मेशन हम बताते हैं। राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण संस्था नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 संक्षिप्त विज्ञप्ति, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया सिपू के द्वारा। उस पर भी हमने वीडियो बना दिया गया है, वो भी जाकर आप देख ले, उस पर पूरी इन्फॉर्मेशन हमने दे रखी है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तो राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण संस्था सिपू जयपुर द्वारा चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग राजस्थान के लिए नर्सिंग ऑफिस के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु राजस्थान व चिकित्सा अधिनियम योग्यधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यह पद स्थायी है, जिनका संख्या विवरण निम्नानुसार है। तो दोस्तों, ये परमानेंट भर्ती है, स्थायी भर्ती है, परमानेंट भर्ती है दोस्तों। और इसमें आपकी सैलरी भी अच्छी रहने वाली है और नर्सिंग ऑफिसर के जो कुल पद हैं वो 7020 हैं। और इसमें जो पदों की वृद्धि व कमी सिपू के द्वारा ही होगी और सिपू इसमें स्वतंत्र रहेगा। ऑनलाइन आवेदन का लिंक है वो 5/5/2023 से 5/5/2023 से 4/6/2023 तक शाम 4 बजे तक उपलब्ध रहेगा। तो दोस्तों, जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 5 तारीख से शुरू हो जाएंगी, 5 मई से इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो शुरू हो जाएंगी और अंतिम तिथि है वो 4 जून 2023 रात को 12 बजे से हैं। तो 5 तारीख शाम को 4 बजे हैं वो फॉर्म चालू हो जाएंगे, वेबसाइट उपलब्ध रहेगी। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व विस्तृत विज्ञप्ति का सावधानी पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात उसमें उल्लेखित दिशा निर्देशों का अनुरूप स्वयं की पात्रता सुनिश्चित करने के पश्चात ही आवेदन करें। पात्रता के संबंध में विभाग का निर्णय अंतिम होगा। भर्ती समय समय पर जारी की जाने वाली सूचना दिशा निर्देश के लिए वेबसाइट www.sipu.rajasthan.com व www.rajasthan.nic नियमित रूप से अवलोकन करते रहें। तो समय समय दोस्तों वेबसाइट है वो चेक करते रहें, क्योंकि इसमें समय समय पर दिशा निर्देश है वो आते रहते हैं। और इसमें दोस्तों, जिस आपने पहले जो फार्म भर रखा था वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालने, जिन्होंने पहले से फार्म भर रखा है उनको केवल रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के जो भी आपको करेक्शन करना है, एडिटिंग करनी है, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट छूट गया है वो अपलोड करना है वो कर सकते हैं। और नए अभ्यर्थियों को इसमें फॉर्म में वो न्यू सिरे से भरना होगा। और नेक्स्ट वीडियो पे हम चर्चा करेंगे फार्मासिस्ट भर्ती पे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।